नमस्कार दोस्तों, जल ही जीवन है ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर ये एक दिन पानी खत्म हो जाए। हम अपनी जिंदगी का एक भी दिन पानी के बिना सोच नहीं सकते। लेकिन इस धरती पर 71% पानी ही तो है। इतने बड़े बड़े ओशंस, इतनी नदियां, फिर क्यों हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 96.54% या तो ओशंस में है, या बेज में है, या सीज में है, जो कि मोस्टली सेलाइन है। और अगर सेलाइन वाटर कंज्यूम किया जाए तो डिहाइड्रेशन के कारण इट कैन इवन लीड टू डेथ। तो कुल मिला के दोस्तों अपने पास सिर्फ 3.5% पानी ही बचा। 3.5% पानी में से भी 1.7% पानी या तो आइस कैप्स हैं या ग्लेशियर्स हैं, और 1.69% ग्राउंड वाटर है। तो इवेंचुअली आप देखें कि 100% में से सिर्फ 1.69 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.7% पानी ही बचा जो हम कंज्यूम कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और अगर इंडिया की ही बात की जाए तो इंडिया में 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज हैं। एवरेज रेनफॉल 125 सेंटीमीटर, और 2019 में भी बिल्कुल नॉर्मल रेनफॉल हुई। वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस मौसिन राम भी इंडिया में ही है। 2020 की ही बात करूं तो बॉम्बे में ही कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां सिर्फ 24 घंटे में 70 to 100 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। और तो और इतनी बारिश हुई कि इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल ठप पड़ गए। ये कुछ फोटोज और वीडियोस हैं जिसमें शायद आप समझ सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन क्या रही होगी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरला, कर्नाटका, इन सब जगहों पे इस साल फ्लड्स आए। तो इतना तो पानी है, कितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स डूब रही हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है दोस्तों कि इंडिया में सिर्फ 6% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ही स्टोर की जाती है। बाकी 94% या तो वो डिवास्टेटिंग फ्लड्स लाती है या ऐसे ही ओशंस में जाके मिल जाती है। कुल मिला के सारी वेस्ट हो जाती है। तो असल में दोस्तों इंडिया आउट ऑफ वाटर नहीं हो रहा, वाटर ही आउट ऑफ इंडिया हो रहा है। तो इंडिया जैसे देशों को सिर्फ ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। और माना जाता है कि इंडिया सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल बहुत क्रिटिकली डाउन आ चुका है। और आजकल की बात करूं तो 130 फीट से भी ज्यादा बोर करना पड़ता है पानी के। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 61% डिक्लाइन आया है इंडिया के ग्राउंड वाटर लेवल 2007 से लेकर 2017 तक, और इसीलिए यह बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा बन जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर, जो हर साल सर्विस करता है और एनुअल रिपोर्ट पेश करता है लोकसभा में। और उनकी रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ इंडिया में और भी क्रिटिकल फॉल देखने में आया है। ग्राउंड वाटर लेवल 75 to 85% तक गिर चुका है। पंजाब इनमें से सबसे पहले नंबर पर है विद 84% डिप, उसके बाद यूपी विद 83% डिप, और फिर जम्मू एंड कश्मीर विद 81% डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 70 to 80% डिक्लाइन आया है। लेकिन इन सब में दोस्तों राजस्थान ठीक रहा। पंजाब में और भी मुश्किल सिचुएशंस हैं दोस्तों, क्योंकि माना जा रहा है कि इतने क्रिटिकल फॉल के कारण अगले 20 सालों तक पंजाब पूरा आउट ऑफ ग्राउंड वाटर हो जाएगा। हरियाणा में भी सेम ऐसी ही सिचुएशंस हैं। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु में तो अभी से ही पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल जीरो हो चुका है 2020 में। इन सब का एक मेजर रीजन एक्सेस में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना भी बताया जा रहा है। बहुत सी जगहों पे बोर करने की परमिशंस दे दी जाती हैं बिना ग्राउंड वाटर लेवल देखे। एक एनवायरमेंटलिस्ट के अनुसार दोस्तों ये कहा जा रहा है कि एक सही कम्युनिकेशन ही नहीं है स्टेट्स और CGWP में। तो इन सब चीजों का दोस्तों सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट एक किसान पर पड़ता है। उसके बाद सिर्फ दो ही ऑप्शंस बच जाती हैं कि या तो वो और ज्यादा बोर करवाए और पावरफुल पंप खरीदे, या फिर अपनी जमीन को कम कर ले। और ये दोनों ही ऑप्शंस एक किसान के हक में नहीं, जिसके कारण 10 से भी ज्यादा किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 2014 में ये आंकड़े 15 suicide per day था। तो अगर एक किसान ही मर गया, या ऐसा कहूं कि अपने देश का अन्नदाता ही मर गया, तो हमारा पेट भरने वाला कोई नहीं बचेगा दोस्तों। अब इसका सलूशन यही है दोस्तों कि ग्राउंड वाटर को या तो आर्टिफिशियली रिचार्ज करें कुछ इस तरह,
लेकिन ये मेथड इतना कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि कितनी जगह पे हम ऐसे आर्टिफिशियली रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर। सबसे इजी और कन्वीनियंट सोल्यूशन इसका दोस्तों यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव करें, रेन वाटर या बारिश के पानी को स्टोर करें, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस बारिश के पानी को किसी आप कंटेनर या वेसल में स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और इस सब का सारा ब्लेम दोस्तों सरकारों पर डालना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाला देश अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। तो हमें पानी सेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपका एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, क्योंकि बूंद बूंद कर ही सागर बनता है और इसी बूंद को हमने बचाना है। शुरुआत हम बहुत ही छोटी चीजों से भी कर सकते हैं, जैसे ब्रश करते टाइम टैप ऑफ कर देना, नहाते टाइम बकेट यूज करना इंस्टेड ऑफ शावर, और ये सब कुछ हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम शायद भूल चुके हैं। नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने थॉट्स एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस पानी को, अपने घर को, अपने देश को, इस धरती को बचाना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कंट्री नेशन तभी बनती है या फिर एक देश राष्ट्र तभी बनता है जब वो सब साथ मिलकर चलते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को, ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।